Hello children, in this video we will do a Python program to count the frequency of a given element in a list of number. इस प्रोग्राम में हम किसी भी लिस्ट के एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. फ्रीक्वेंसी मींस कितनी बार वो एलिमेंट अपीयर हुआ है लिस्ट में. ओके, एक बार उस एलिमेंट एक एक बार वो एलिमेंट आया है, या दो बार आया है, तीन बार आया है. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी, मींस हाउ मेनी टाइम्स दैट पर्टिकुलर एलिमेंट अपीयर इन अ लिस्ट, राइट. तो फर्स्ट आपका कमांड क्या है? फर्स्ट हम यूजर से लिस्ट को एंटर कराएंगे इनपुट फंक्शन की हेल्प से, फाइन. एंड देन हमने क्या यूज किया? ईवेल फंक्शन यूज किया उसको इवेल्युएट करने के लिए, बिकॉज वी नो इनपुट फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिंग फॉर्म में इनपुट लेता है. ओके, देन इवेल फंक्शन क्या करेगा, उसको उस पर्टिकुलर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा जिस पर्टिकुलर डेटा टाइप में आपने इनपुट दिया है. इंटीजर में दिया है तो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट में दिया है तो फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, फाइन. और वो लिस्ट जाके कहाँ स्टोर हो जाएगी? लिस्ट वेरिएबल में, फाइन. नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमने लिस्ट की लेंथ निकाल ली कि लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं बाय यूजिंग द लेंथ फंक्शन. लेंथ फंक्शन में लिस्ट को पास किया, लिस्ट की लेंथ आ गई जो हमने कहाँ स्टोर कर दी, लेंथ वेरिएबल में, फाइन. ओके, लिस्ट बन गई है, उसकी लेंथ आ गई है. अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमें वो एलिमेंट चाहिए जिसे हमें सर्च करना है लिस्ट के अंदर, और ये देखना है कि वो कितनी बार वो एलिमेंट लिस्ट में आता है. ओके, तो इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को एंटर कराएंगे, राइट. एंड वी विल कन्वर्ट इट इंटू इंटीजर बाय यूजिंग द इन फंक्शन. ओके, इन फंक्शन की हेल्प से हमने उस एलिमेंट को इंट में इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, राइट. अब नेक्स्ट आपका क्या है? आपके पास लिस्ट है, आपके पास लिस्ट है, लेंथ है एंड एलिमेंट है. ओके, अब आपको काउंट करना है, काउंट करना है कि कितनी बार वो एलिमेंट लिस्ट के अंदर आया है, फाइन. तो अभी हमें नहीं पता है कि वो एलिमेंट कितनी बार लिस्ट के अंदर आया है, तो हमने काउंट वेरिएबल को क्या कर दिया, जीरो वैल्यू दे दी है, फाइन. ओके, अब आपको क्या करना है, लिस्ट को ट्रेवर्स करना है. ट्रेवर्स मींस वन बाय वन सारे एलिमेंट्स के पास जाना है और उस एलिमेंट को फाइंड आउट करना है कि वो एलिमेंट क्या है, कहाँ पर है और कितनी बार आया है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम फोर लूप लगाएंगे. फॉर आई इन रेंज जीरो, ओके, जीरो इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट होगा और लेंथ माइनस वन, क्योंकि एंडिंग वैल्यू इज ऑलवेज माइनस वन इन द रेंज फंक्शन. लेंथ माइनस वन, अगर फाइव एलिमेंट्स है तो फोर इंडेक्स तक चलेगा, सिक्स एलिमेंट है तो फाइव इंडेक्स तक चलेगा, फाइन. ओके, अब हमने फोर लूप के अंदर क्या स्टेटमेंट दिया, इफ एलिमेंट, जो एलिमेंट हमें चाहिए, राइट, वो लिस्ट के आई इंडेक्स पे मिल जाता है. ओके, ये क्या है, डबल इक्वल टू क्या होता है, कंपेरिजन ऑपरेटर होता है. मीन्स अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ओके, तो काउंट हो जाए. काउंट क्या हो जाए, काउंट, तो आपने क्या स्टेटमेंट दिया, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होगा, इस स्टेटमेंट का मीनिंग होगा काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन. ओके, काउंट प्लस वन, अभी काउंट की वैल्यू हमारी जीरो है. ओके, तो अगर हमें एलिमेंट मिल गया है तो हमारा क्या होगा, काउंट में क्या हो जाएगा, प्लस वन, तो इक्वल टू वन, फाइन. ओके, ऐसे ही फिर क्या करेगा, पहले आई कौन सी जीरो इंडेक्स की वैल्यू लेगा, टू, फिर वन इंडेक्स की वैल्यू पे जाएगा. ओके, फिर वो नीचे कंपैरिजन होगा कि क्या वन इंडेक्स की वैल्यू उस एलिमेंट के इक्वल है, अगर इक्वल है तो काउंट में क्या हो जाएगा, फिर से प्लस वन हो जाएगा. पहले प्लस वन है तो अगर मान लो इक्वल है, इफ इक्वल, तो क्या होगा, प्लस वन इक्वल टू टू. इसका मतलब क्या है कि दो बार वो एलिमेंट आ चुका है जो हमें चाहिए, ठीक है, जिसको हम सर्च कर रहे हैं, फाइन. तो जितनी बार वो एलिमेंट अब क्या करेगा, आई की हेल्प से हम पूरी लिस्ट को ट्रेवल्स करेंगे वन बाय वन, ये सारे आइटम्स के की वैल्यूज को एक्सेस करेगा, फाइन, और काउंट फंक्शंस को काउंट करता रहेगा. ओके, अब पूरी लिस्ट ट्रेवर्स हो चुकी है और काउंट फंक्शन में नंबर ऑफ काउंट फंक्शन में ये आ चुका है कि वो आपका आइटम कितनी बार अपीयर हुआ है, फाइन. इफ अगर वो जो भी एलिमेंट आप सर्च कर रहे हो वो लिस्ट के अंदर है ही नहीं, ठीक है, हमने नेक्स्ट कंडीशन क्या दी, इफ, ये हमारा पूरा फोर लूप कंप्लीट हो गया, फाइन. और उस पूरा फोर लूप कंप्लीट होने के बाद भी व्हाट वी फाउंड कि वो उसके अंदर है ही नहीं, तो हमने फिर से इफ कंडीशन दी है, इफ काउंट इज इक्वल टू जीरो, मतलब काउंट वो आया ही नहीं है एलिमेंट, तो क्या हो जाए, प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड इन द गिवन लिस्ट. ओके, एलिमेंट नॉट फाउंड इन द गिवन लिस्ट. ओके, देन आपने एल्स में क्या दिया है, एल्स पार्ट में दिया एलिमेंट हैज फ्रीक्वेंसी एज काउंट इन द गिवन लिस्ट. अगर आपके काउंट फंक्शन में अगर आपका वो एलिमेंट अपीयर किया है,
तो आपकी एलिमेंट भी आ जाए, कौन सा एलिमेंट है और फ्रीक्वेंसी के साथ आ जाए, हैज फ्रीक्वेंसी एज काउंट, फ्रीक्वेंसी क्या है काउंट, मतलब कितनी बार वो आया है ना गिवन लिस्ट। समझ आया? तो अब सबसे पहले आपका क्या आया, आपने लिस्ट को एंटर कराया। नेक्स्ट आपने क्या किया, उस एलिमेंट को एंटर कराया, एंटर एलिमेंट टू बी सर्च फॉर, तो यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट मैंने टू दे दिया, फाइन। तो अब क्या हो गया, देखो आपका रिजल्ट क्या आया, प्रिंट क्या हुआ, टू हैज फ्रिक्वेंसी एज थ्री इन गिवन लिस्ट, टू की फ्रिक्वेंसी क्या है, थ्री, मतलब टू तीन बार आया है इस लिस्ट के अंदर। देखो देखो, जीरो इंडेक्स पे आया है, फिर यहाँ पे आया है आपका टू, देन यहाँ पे आया है। तो इसमें आ गया टू हैज फ्रीक्वेंसी एज थ्री, मतलब थ्री टाइम्स आया है टू इन द गिवन लिस्ट, फाइन। फाइन, तो ये हमारा इस क्या किया आपने, पहले एलिमेंट लिस्ट को बनाया, देन आपने एलिमेंट को एंटर कराया जो भी आपको सर्च करना है। फॉर लूप की हेल्प से आपने पूरे लिस्ट को ट्रेवर्स किया और जहां जहां पे आपको मिला वहां पे आप काउंट प्लस करते गए, काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते गए, फाइन। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ गिवन एलिमेंट इन अ लिस्ट।